तो हम जा रहे हैं मल्ला मानिला माँ के दर्शन करने। और शाम का टाइम है, यहाँ पे 6:30 करीबन हो चुके हैं, क्योंकि मैं अपने माता रानी का जो है श्रृंगार करके हम आए तो लेट हो गई थी, वहाँ भंडारा भी किया था। अब हम आ गए हैं मल्ला मानिला, तो चलो आप लोग भी दर्शन कीजिए। बैठो बैठो यहाँ पे। तो चलो, वीडियो बहुत कम बनाई क्योंकि राधा की तबीयत ख़राब है, तो वो नीचे ही है गाड़ी में। और हम सब ने यहाँ दर्शन करे, शाम का टाइम था और पूजा हो रही थी, बच्चे श्लोक पढ़ रहे थे, आरती हो रही थी, सब ने हमने यहाँ दर्शन करे। और इतना अच्छा मौसम हो रहा है, यहाँ से जाने का मन नहीं है, तो अब हम जा रहे हैं नीचे होटल में। उस दिन तो हमारे वो फंस गया था, गाड़ी फंस गई थी, गाड़ी आगे हम गाड़ी पर था ज्यादा छोड़े, हमारी गाड़ी ऊपर आ ही नहीं पाई, नीचे ही खड़ी करी। तब रोड ऐसी थोड़ी थी ना, हमारे कच्ची सी था, कच्ची भी थी और हां कच्ची भी थी, और पर स्टीप कितनी थी। तो हम मल्ला मानिला से होटल में आ चुके हैं नीचे, और बारिश हो चुकी है झमाझम, जैसे कि आप देख रहे होंगे, मैंने म्यूट नहीं किया है, बारिश की आवाज़ आ रही है। और यहाँ ठंड हो गई थी, हमें कंबल लेना पड़ा, और सभी थक चुके हैं। और कल फिर हमने सुबह तल्ला मानिला के दर्शन करने हैं। तो जी एक एक दो दो रोटी खा लो, चलो उठो 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 भाई, देखो सब थक गए हैं, जल्दी उठो, टाइम कितना हो रहा है भाभी, 10:30 बजे क्या? हाँ बच्चों, कैसा लग रहा है फिर तुम्हें यहाँ? ठंड लग रही है, ठंड लग रही है भाई, देखो अंधेरा और क्या, यहाँ तो बारिश हो गई और हमें लग रही है ठंड। यहाँ पे बैठ के खाना खा रहे हैं बच्चे, बाकी सो गए थक के कुछ। मीठा मत दो ने, चढ़ लग रहे हैं, ओ खाओ, ज्यादा सा कम सा, इतनी ठंड यहाँ। जय माता दी, जय श्री राधे, हर हर महादेव। तो अब है ये सुबह का टाइम, यहाँ पे 4:30-5 बज चुके हैं, और बच्चे सब हमने उठा दिए। अब हम नहा धो के यहाँ से तल्ला मानिला के दर्शन करेंगे, और आप लोगों को भी ले चलेंगे। ठंड हो रखी है, बच्चे थक गए हैं, रात को कंबल लिए थे इन्होंने। ये है जी हमारा होटल, देखो आगे का नज़ारा सुबह सुबह का 5 बजे का। किसने खाना खा लिया ना, ये देखो हमारे सफेद, देखो बैठ गया। Thank you.
अभी हम जा रहे हैं अब मल्ला मानेला। हमने कल घूम लिया था, माता रानी के दर्शन भी कर लिए थे, कल ही भंडारा भी कर लिया था। अब हम हरियाली और यहाँ पता ठंड हो रही है, कहाँ से सब दिल्ली में भी होता, जाने को यहाँ से मन नहीं कर रहा है पर जाना पड़ेगा भाई। अब हमारी तैयारी हो रही है, सामान रखा जा रहा है और देखो यहाँ का नज़ारा कितना सुंदर है। ये देखिए, ये होते हैं हिसालू, पता है क्या होते हैं? हिसाओ बोलते हैं इनको, हमारे खट्टे मीठे होते हैं, हम बहुत खाते थे बचपन में। और अब कोई गांव में है नहीं, बच्चे तो है नहीं, सब ऐसे ही पड़े रह रहे हैं, हम पीप रहे खा रहे हैं भाई। देखिए ये होते हैं हिसाओ। हाँ चला गया, जय माता दी। हम आ गए हैं तल्ला मानिला माँ के मंदिर में, बहुत ही सुंदर दृश्य है यहाँ। और वो देखो फूल, देखो कितने प्यारे फूल है। अरे दुखी मर गए, अरे यार खाने का पानी चाहिए इन्हें तो, पानी है नहीं यार, पानी नहीं होगा क्या? हाँ है मेरे पास बोतल में। लो यार अमन ला यार पानी दे यार, मुंह बना दे। ला एक मिनट, थोड़ा थोड़ा मैं उतर जाता हूँ। माता रानी इनको पानी वानी दे दिया करो बेचारे, कैसे रह रहे होंगे यार। लो पानी नहीं है तो घास की कमी थोड़ी ना। बहुत ही अच्छे दर्शन हुए हैं कल शाम को। हम मल्ला मानिला गए माँ के दर्शन करने, तो वहाँ भी उस टाइम आरती हो रही थी, और यहाँ भी हम सुबह सुबह आए हैं तो यहाँ भी माँ की आरती हो रही है। तो चलो आप लोगों को भी ले चलते हैं और माँ के दर्शन कर लीजिए सुबह सुबह, और आरती में भी शामिल होइए।
ये है हमारे भोले बप्पा जी। मान लो मैं यहाँ पे हमने अच्छे से पूजा कर ली है, नंदी महाराज जी बैठे हैं, आप भी दर्शन कर लीजिए। और ये इनका त्रिशूल है, डमरू है देखो, और बहुत ही सुंदर दृश्य है यहाँ। बहुत सुकून मिल रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पर। मन जाने का ही नहीं कर रहा है, लेकिन जाना पड़ेगा। दोस्तों माता के नौ दुर्गा रूप, ये देखिए। ये माँ के नौ रूप यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ पे आप ये जो दो छोटे छोटे से मंदिर से देख रहे हैं, एक के नीचे पानी की आवाज़ आती है और एक के नीचे नंगाड़ों की आवाज़ आती है। जब आप कान लगाओगे ना, ऐसे नीचे कान लगाओगे और ध्यान लगाना पड़ता है, तब जाके आपको सुनाई देता है यहाँ पे। तो जो भी यहाँ आता है सब अपना ऐसे कान लगा के सुनते हैं नीचे की किस चीज़ की आवाज़ आ रही है। जो सबसे बड़े देवता से जो सबसे बड़े देखते हैं नरसिंह, इनकी झोली में सारे देवी देवता रहते हैं। नरसिंह जी महाराज ठीक है, जैसे बेल देते हैं वैसे ही सैन देवता, जिनके घर में जो सैन देवता होते हैं उनके घर में वो देवता, मतलब ये अलग अलग बैठते हैं ठीक है। ये देवता हो गए, ये सब ये देवता, ये सब एक मतलब जैसे किन के यहाँ देवता होते हैं, किन के यहाँ सैन देवता, किन के यहाँ वेल देवता, ऐसे ये ही बना देवता है। और ये है ये देवता है, जैसे सबसे ज्यादा नरसिंह का देवता तो प्रचलित नहीं है, पर ये भी किसी किसी घर में ये तो यहाँ पर सारे देवी देवता हैं। इस कमरे में सबके बारे में लिखा हुआ है, जितने भी उत्तराखंड में कुमाऊं गढ़वाल में हर किसी के घर में मौजूद हैं। नरसिंह देवता, शेम देवता, मतलब हर कोई देवता तो यहाँ सारे मौजूद हैं। तो रावत जी जो हमारे साथ आ रखे हैं दरबार के भक्त लोग उन्हें बता रहे हैं। तो क्योंकि ये दो चार जो भी मेरे शिक्षक रहे हैं ये पहली बार यहाँ आए हैं उत्तराखंड, तो उनको रावत जी अच्छे से बता रहे हैं कि ये वो देवता हैं, ये वो देवता हैं। ठीक है जी, तो आगे और है, बहुत ही सुंदर जगह है यहाँ, तो आप लोग पूरा बने रहिए। अगर बाहर के लोग कोई देख रहे हैं तो आप यहाँ ज़रूर आइएगा, माँ के दर्शन करिएगा। यहाँ मनोकामना पूर्ण होती है और यहाँ बहुत सुकून भी मिलता है, बहुत ही अच्छी जगह है। तो ये है ध्यान ग्रह, यहाँ ध्यान लगाया जाता है 5-10 मिनट, हर कोई यहाँ बैठते हैं। तो जो ये मंदिर के पुजारी थे बहुत ही अच्छे हैं, इन्होंने हमें दिखाया और बोला कि यहाँ बैठ के आप ध्यान लगाइए। अब हम यहाँ कमरे में बैठे हैं, मंदिर के खूब दर्शन करे, पूजा पाठ भी करी। और यहाँ पे मंदिर के पुजारी अगर सब रावत जी को जानते हैं तो उन्होंने हमें चाय बना के दी है और हम आराम से चाय पी रहे हैं। लेकिन वो अपने दिल से ध्यान लगाना पड़ता है, ऐसे देते हैं जिसका ऐसे नहीं बोल सकते, लोग बात नहीं है। देखो कैसे ऐसे देखो, मैं देखती हूं ऐसे देखा है, आज्ञा लेनी है पहले ठीक है, फिर लगाना है कान पकड़ भाई, मेरे को डिस्टर्ब मत करना, बड़ी जोर की आवाज दिया काफी, कान चिपकाना नहीं ऐसे बहुत ही है माता जी, वो भलकरम कर्नल तब हम आवाज था ढंग ढंग बजे जाती है, बिल्कुल एकदम आग बंद कर।
देखो उधर देखो पीछे। चलो ये कितना ऊंचा है, मैंने नीचे हेलो हेलो हेलो